मैम, ये आज के प्रोग्राम की शेड्यूल लिस्ट। नए हो? आई सेड नए हो? मैम, एक महीने से। देन डोंट यू नो कि ऑन एयर प्रोग्राम शेड्यूल की लिस्ट मेरे टेबल पर होनी चाहिए, मेरे हाथ में नहीं। ब्लडी इंटर्न्स। सॉरी मैम। इसे एडिक्शन कहते हैं। उसे कॉफी में रम पीने का एडिक्शन है और तुझे उससे डांट खाने का एडिक्शन है। इन दोनों के बिना तो सुबह की शुरुआत ही नहीं होती। योशिका इज द स्टार ऑफ आवर शो। गुड मॉर्निंग सर। और जिस दिन तुम लोगों का काम उसके काम के लेवल तक पहुंच जाएगा ना, तब तुम लोगों से मैं कॉफी के अलावा बात करूंगा कि तुम इस जॉब के लायक हो या नहीं। और जब तक योशिका अपनी रेटिंग्स मेंटेन करने में सक्सेसफुल है, वो रम पिए या विस्की, इससे तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Do you understand? Okay, sir. Leave. Sorry. चलना, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी कॉलेज के लिए। अरे रुक ना, अब उनका फोन बस लग गया, रुक। चलना यार रघु। रुक ना, बस लग गया। ओ फोन, मुझे देर हो रही है। अब तो let's hear who's the lucky caller, जिनकी किस्मत का पिटारा आज खुलने वाला है। तो खुल जा सिम सिम। हेलो हेलो मैडम। हाँ जी, कौन बोल रहा है? अपन रघु, रघुवीर सिंह। ओह, यो मॉर्निंग रघुवीर, कैसी है आपकी आज की सुबह? कौन, योशिका? आज योशिका, अपन के खाबू की योशिका। बिल्कुल सही। वैसे रघुवीर, हमें एक बात बताइए, क्या आप हमारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहेंगे? लेगा ना मैम, जरूर लेगा और जीतेगा भी, आप पूछिए तो सही। तो ठीक है, देखते हैं आप हिंदी फिल्मों के कितने बड़े फैन। हमें ये बताइए कि ये डायलॉग कौन सी हिंदी मूवी का है कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। हमने लव किया। करेक्ट, बैंग ऑन, बिल्कुल सही। दैट्स द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आपको इस जवाब के लिए मिलता है एक गिफ्ट हैम्पर। और अपन को क्या मिलता है मैडम? हेलो योशिका मैम। और योशिका उसके साथ आपको मिलता है आपकी योशिका, यानी कि मुझसे मिलने का एक मौका। क्या, उन तो सपना देख रहा है, योशिका से मिलने का चांस मिला। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और वैसे भी हमारा तो काम है आपकी मॉर्निंग को योग बनाना, तो इसीलिए अपना गिफ्ट हैम्पर लेने और मुझसे मिलने आपको कल आना होगा हमारे स्टूडियो। अपन आ रहे हैं योशिका। गिव मी योशिका। ये योशिका तो नहीं? रोहन सॉन्ग के लिस्ट देना। किससे मिलना है आपको? अब उनको आपसे तो नहीं मिलना है, योशिका से मिलना है। ओह, आप ही रघुवीर हैं? जी। आइए, ये आपकी चेयर है मैडम। और योशिका? बस वो थोड़ी देर में आती होंगी, आप बैठिए। योशिका, योशिका जी, अरे अपुन आपका वेट कर रहे हैं। आप कहा था ना अपुन चलेंगे शो के बाद, अपुन आपका वेट कर रहे हैं। जाने दे। योशिका मैम, मेरी बात चलेंगे, अपुन आपका वेट कर रहे हैं। रघु, तुम? आपने कहा था ना हम शो के बाद साथ में चलेंगे। रियली? आई मीन तुमने विश्वास भी कर लिया? मैंने कहा था तो अपुन ने मान लिया। तो रघु, हमें शो के लिए ये सब करना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच्ची में तुम्हारे साथ बाहर जाऊं। Don't be mad, जाओ यहाँ से, पागल बनने की जरूरत नहीं है। क्यों, पागल लोग डेट पे जाते हैं क्या? डेट पे? वो भी तुम्हारे साथ? आर यू इंसेन रघु? तुमने अपने आप को देखा है? शीशे में जाके अपनी शक्ल देखो और अपने सपने से बाहर आओ। Somebody please take him out of here. चलो बाहर जाओ। Town market.
टाउन मार्केट क्या होता है? टाउन मार्केट? किसने कहा? योशिका ने। क्यों? अपन उसको डेट पे लेके जाना चाहता था। तू पागल है क्या रघु? तू एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है यार, और वो इतनी बड़ी रेडियो जॉकी, वो तेरे साथ डेट पे क्यों जाएगी? क्यों क्यों नहीं जा सकती डेट पे अपन के साथ? क्या बुराई है अपन में? प्यार करने के लिए दिल चाहिए होता है, दिल अपन के पास है। रघु, प्यार करने के लिए सिर्फ दिल नहीं चाहिए होता, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है जो तेरे पास नहीं है। जितनी जल्दी तू ये बात समझ जाएगा ना, तेरे लिए उतना अच्छा है। तुम लोग के माफिक कपड़ा नहीं पहनता ना, तुम लोग के माफिक इंग्लिश में घिटर पिटर नहीं करता ना। 60 डिग्री क्या मिल गई तुम लोगों को? तुम सोचता है तुम कहीं के राजा है? रघु मन का राजा है, मन का। कॉलेज छोड़ दिया था अपुन ने, लात मार दी थी, जानती हो क्यों? क्योंकि अपुन को अपना खाना था, अपना जीना था। रघु मैं, अरे मर गया रघु, आज से अपुन रघु नहीं है, अपुन भी बोल सकता है इंग्लिश। हेलो, थैंक यू, यो मुंबई, बोला ना क्या? देख लेना, योशिका को प्यार होगा। वो क्या बोला था उसने? टाउन मार्केट। देख लेना, योशिका को इस टाउन मार्केट रिक्शा वाले से ही प्यार होगा। हे योशिका, हाय। या टेल मी, तुम्हें एक नया इंटर्न चाहिए था ना? ओह प्लीज, तुम्हारे वो लूजर एंड डम इंटर्न्स नहीं चाहिए। एक मौका देके देखो मैम, अगर आपकी नजर में लूजर से विनर ना बन गया तो नाम बदल दूंगा। योशिका, दिस इज वीर, आवर न्यू इंटर्न। मास कम्युनिकेशन में डिग्री है और एंथ्यू कटलेट है। I think he will be good fit for the profile. और अगर रोहन की तरह गॉसिप किया तो I'll fire him. Understand? Yes ma'am. Totally, completely, fully understand. आप relax हो जाइए, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, I शपथ। मतलब I swear. जो भी है, अभी यहाँ से जाओ और जाकर कहीं छुप जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, तुम्हारा काम देखना है। Thank you very much ma'am. Don't call me ma'am. It's Yoshika. Okay. Yoshika. Hey you. And two cutlet. Yes ma'am. Yoshika. Tumhara sabse important kaam. Meri subah ki coffee. Coffee kam aur rum zyada. Agar theek se na bane to mera din start nahi hota. Am I clear? Ram, सुबह सुबह आप पीती भी हो? Get lost. I said get lost. Stop staring and think of some idea. तो बाकी interns की तरह तुम्हें भी। मेरे पास एक idea है। क्यों ना हम ये program आम आदमी के लिए करें? मेरा मतलब है जैसे कि ऑटो वाले सुबह से रात उनकी गाड़ी चलती है और साथ में रेडियो भी। क्या ऑटो वाले? अरे ऑटो वाले कैसे करेंगे यार, कुछ भी बोल रहा है तू, पागल है। Hold on. I think he has a point. हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। I mean बस वालों के लिए, ऑटो रिक्शा वालों के लिए, we never done anything. हमें अपने प्रोग्राम को मास्टर्स तक ले जाना हो एंड आई एम वेरी श्योर दैट दिस विल हेल्प। ओके फाइन, ठीक है। Then please you discuss all the ideas with Veer and in the meantime I'll go and meet Tushar. उससे बात करती हूँ, I'm sure it will help. Yeah. By the way Veer, good job, well done. Thank you. Hey Veer. अरे वो म्यूजिक लाइनअप करना है यार, मानसून सीजन है ना, अरे उसी के लिए बैक टू बैक सॉन्ग चाहिए कल मॉर्निंग के शो के लिए यार। ओके सुन, पहले गाने के लिए ये कैसा रहेगा? सावन में भीगा बदन। पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है। अरे ऐसे वैसे गाने नहीं चलेंगे, अपने मैसी आइडियाज अपने पास रख, और वो तुषार सर है ना, उन्हें ये सब पसंद नहीं आएगा बिल्कुल।
कौन तुषार? इस रेडियो स्टेशन का सीईओ है वो, योशिका का फियांसे है। फियांसे? हाँ। योशिका की मंगनी हो चुकी है। सिर्फ नाम के लिए यार, वैसे तुषार को सिर्फ अपनी रेटिंग से प्यार है, इसलिए योशिका सुबह सुबह रम पीकर पूरे दिन टूंड रहती है। तुषार सर उसे मना नहीं करते? मना करेंगे तो उसका शो डूब जाएगा भाई। सच्ची? और नहीं तो क्या भाई, ये रम ही तो है जो शो को चला रहा है, अगर वो रम नहीं पिएगी तो शो ही फ्लॉप हो जाएगा। सुन, तू ज्यादा सोच मत, तुझे नौकरी प्यारी है ना, तू बस काम पर ध्यान दे। तुषार को रेटिंग प्यारी है और योशिका को सिर्फ उसके पैसे से मतलब है। क्या? हाँ। नहीं नहीं, योशिका ऐसी नहीं हो सकती। अगर मुझे हाइक नहीं मिला ना, I'll quit the job. One week and I'll quit. सुन ले, देख भी ले अपनी आंखों से, बात करता है। योशिका, एक गाने के बाद यू ऑन एयर। तो वी हैव 3 मिनट्स राइट? देखा, डबल स्टैंडर्ड, लोगों को ज्ञान देती है और खुद पैसे के लिए अपने फियांसे से लड़ रही है। सेल्फिश एंड मटेरियलिस्टिक वुमेन। सब जानते हैं शो को योशिका चलाती है, अपने हक के लिए पैसे मांगने में कैसी सेल्फिशनेस। ऑटो वाले भी तो स्ट्राइक पे जाते हैं ना अपना रेट बढ़ाने के लिए। तू क्या ऑटो वाले करता है यार, पागल हो गया क्या? ओए, भाषण बंद कर, जल्दी भाग, मेरा शो बंद करवाएगा क्या? आज तुम्हारी कॉफी में रम नहीं है, देखते हैं शो कैसा होता है। इट्स ओके, इट्स ओके। यो यो मुंबई, सेवन सीज को क्रॉस करके दूर किसी फैंटेसी लैंड से आ रहा है आपकी अपनी योशिका का गुड 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 मॉर्निंग। सो सलाम नमस्ते टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। और हमारे अगले कॉलर हैं, अपना नाम बताइए प्लीज। रघु। या हाय रघु, तो टेल मी आप कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे? मैं जो गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ उसका नाम है क्यों आगे पीछे टोलते हो भवरों की तरह। That's so cool, रघु, तो ये गाना आप इसके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ जो लड़की मुझसे प्यार करती है वो ये सॉन्ग मुझे डेडिकेट करे। वेरी इंटरेस्टिंग रघु, इसका मतलब है कि आप ये गाना खुद को डेडिकेट करना चाहेंगे। अयला, अपुन की लवर अपुन को ये सॉन्ग डेडिकेट करेगी तो अपुन का तो डे बन जाएगा क्या? ओके, ऑलराइट देन, देन अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कमिंग अप फॉर ऑल द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। वीर डांस कर रहा है उसके साथ। यार लगता है वीर ने कुछ ज्यादा ही कॉफी में रम मिला दिया है। Thank you.
रणवीर, तुम अब तक यहाँ कैसे? आपका वेट कर रहा था, सोचा आपको एक स्पेशल डेट पर लेके चलूं। मुझे? आपको? चलेंगे मेरे साथ? But let me warn you, ये डेट थोड़ी अलग टाइप की होगी। मतलब? I mean, listen. तुम हमेशा इतने खुश कैसे रह सकते हो? क्योंकि मैं आज में जीता हूँ। और कल का? क्या मालूम योशिका, हमारी लाइफ ना एक ऑटो रिक्शा की तरह, सब खुद अपने अपने ऑटो चलाते हैं, बस पीछे बैठने वाली सवारियां बदलती रहती हैं। और कब कौन आकर इस ऑटो में बैठेगा वो तो किस्मत के ऊपर है। जैसे आज इस ऑटो में खुद यहाँ आज ये योशिका बैठी है। वैसे तुम कहानियां बहुत अच्छी लिखते हो, स्क्रिप्ट लिखना क्यों नहीं शुरू कर देते? गॉड नोज तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है, लेकिन जो भी है, आई मस्ट से That I am liking. योशिका, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुम अपने सुबह सुबह रम पीने के चक्कर को छोड़ नहीं सकती? अगर मैंने रम पीना छोड़ दिया ना तो इस आरजे योशिका का आर भी नहीं बचे, तो फ्लॉप हो जाए। तो सच बताऊं, रम पी के ना एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन तुम खुद ही इतनी अच्छी हो, और तभी तो जो भी लाइफ में आता है हर्ट करके चला जाता है। तुम बहुत अकेला फील करती हो ना, तुम्हें कैसे पता? इसीलिए ऑफिस में अपना सारा टाइम बिताती हो, बिजी रहती हो, क्योंकि वहां पर और लोग हैं, टेंशन है, इंपॉर्टेंस है, तुम्हारे फैंस का प्यार है, राइट? कांग्रेचुलेशंस, जो इतने सारे लोग 3 साल में नहीं समझ पाए, तुम 3 महीने में जानो। थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस टाइम। वैसे चार सर से पहले भी कोई, आई मीन लेकिन जब एक रिलेशनशिप में आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया जाए ना, तो उसमें रहना सही बात नहीं है, कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है ये रेडियो वाली योशिका ना इन रिलेशनशिप्स के पीछे कहीं ना कहीं छुपी हुई है। विल यू प्लीज स्टॉप फ्रीकिंग मी आउट? तुम कोई माइंड रीडर तो नहीं हो? बट यू आर राइट, मैंने ना अपने आप को बहुत कॉन्शियसली चेंज किया, सीखा है कि अपना वीक साइड कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। कोई तुम्हें यूज कर ले ठीक बात नहीं है। इसीलिए तुम तुषार सर के साथ? इसका क्या मतलब? मतलब मैंने टेबल पे पड़ी तुम्हारी सैलरी स्लिप देखी, तुम्हें समर से सिर्फ 2,000 रुपए ज्यादा मिले। अब जानते हैं शो कौन चला। तुमने मेरी सैलरी स्लिप देखी? हाउ डेयर यू? देखनी पड़ी ये जानने के लिए कि ऑफिस में लोग जो तुम्हारे बारे में बोलते हैं वो सच है या नहीं। मैं सब नहीं सुन सकता। क्या कहते हैं लोग कि मैं एक मटेरियलिस्टिक सेल्फिश इंसान हूं, है ना? कोई बात नहीं, रंग पीना शुरू कर दो, सब सुनने की आदत पड़ जाए। अब क्या फायदा जब तुमने खुद ही पीना छोड़ दिया? इसका क्या मतलब? मतलब ये कि जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है तुम रम वाली कॉफी नहीं सिर्फ कॉफी पी रही हो। मतलब पिछले 3 महीने से मैंने ये शो बिना रम के किया। बिना रम के और बिना गम के कर रही। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? आई मीन
I could smell rum in it. मैं बस कप पे थोड़ी सी रम लगा दिया करता था खुशबू के लिए. प्रॉमिस करो उसे कभी नहीं पियोगी. प्रॉमिस. यो अनुष्का. युष्का मैम कॉफी. गुड मॉर्निंग. थैंक यू बट आई हैव ग्रीन टी. हाय. हाय. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज एक फिल्म का इंटीग्रेशन. इट्स ओके. हो जाएगा. चिल. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम 20 मिनट लेट हो. टेक अ डीप ब्रेथ. हो जाएगा मैं कह रही हूँ ना. हमारे फैंस हैं. वेट कर लेंगे थोड़ा टाइम. अच्छा मुझे ये बताओ कि वीर कहाँ है. कहीं दिखाई नहीं दे रहा. तुम्हें पता नहीं वीर को तुषार ने आज ही फायर किया है. What? हाँ उसे निकाल दिया. Almost we are on the closing up this month, so we want to be ready. What the? I want to speak to you. Finally, मुझे एक अच्छा इंटर्न मिला था. तुमने उसे क्यों निकाल दिया? इंटर्न के लिए लड़ने आई हो? Really? योशिका तुम पे सूट नहीं करता. तुमने उसे फायर क्यों की? क्योंकि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं आती. And I asked him to leave. Ridiculous. तुषार इंटर्न मेरा था. उसे निकालना या नहीं निकालना मेरा काम था, तुम्हारा नहीं. फियांसे मेरी है और उसको प्रोटेक्ट करना मेरा काम है. What do you mean? What do I mean? लोग तुम दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं कि तुम दोनों के बीच शायद. लोगों की बातें सुनी. लोगों की बातों पे विश्वास किया. उसे फायर कर दिया और मुझसे पूछा तक नहीं. जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये जो तुम्हारे में मुझे चेंज नजर आ रहा है ना, लोगों के साथ हंसी मजाक करना, उनके साथ लेट नाइट शिफ्ट करना, एक स्ट्रिक्ट योशिका से लीनियंट योशिका बनना. आई एम नॉट मैड. ना ही मेरी आंखों पे पट्टी बंधी है. एटलीस्ट मुझसे पूछना चाहिए था. मैं इस कंपनी का सीईओ हूं और तुम एक मामूली आरजे. कौन हायर होगा कौन फायर होगा विल बी माई डिसीजन नॉट योर्स. थैंक यू. थैंक यू तुषार सर. थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी. थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए. मैं आज तक समझ नहीं पा रही थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन आज आपने मुझे क्लैरिटी दी. आपकी वजह से मैं ये रियलाइज कर पाई हूं मेरे दिल में वीर के लिए एक स्पेशल कॉर्नर. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे दिल की सीईओ मैं हूं और मेरे दिल से उसे कोई फायर नहीं कर सकता. योशिका. आरजे योशिका सर. एंड नॉट सो प्लीज टू मीट यू. आई होप हम आज के बाद कभी ना मिले. कभी भी नहीं. एंड फॉर योर क्लैरिटी आई क्विट. तुम याद है 6 महीने पहले एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने तुम्हारे रेडियो का कॉन्टेस्ट जीता था? ऑटो रिक्शा ड्राइवर. आई लव यू. ऑटो रिक्शा ड्राइवर रघुवीर. हाँ वही रघुवीर. लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा कपड़े चेंज करने में, इंग्लिश बोलने में, कंप्यूटर सीखने में. और तुम्हारी जो डिग्रीज थी वो सब झूठ था. मैं तो सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाहता था और चाहता था तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो जितना मैं तुमसे करता हूं. मतलब तुमने भी मुझसे झूठ. I'm sorry.
लेकिन तुम मानोगी नहीं, मैं रोज इस झूठ के बोझ के नीचे दबा जा रहा था, लेकिन जब अब तुषार सर ने निकाल ही दिया है तो मैंने सोचा यही सही मौका है तुम्हें सब कुछ सच सच बताने का और अपना ऑटो एकदम ट्रैक पे लाने का। इसलिए मैंने कुछ करने का फैसला किया है। तुम पढ़ाई करोगे? बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? हाँ योशिका, मैं तुम्हारे लायक बनना चाहता हूँ। पहले मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब जब तुम्हारे साथ नजर से नजर मिला के चलना पड़ेगा उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। और एक बात, तुम आगे लाइफ में मुझसे कभी मिलो या ना मिलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज उस कमीने तुषार को छोड़ दो। योशिका, तुम्हें एक ऐसे आदमी के साथ होना चाहिए जैसी तुम रेडियो पर हो, सबके साथ हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, चुलबुली, सबकी जिंदगी में मिठास घोलती हुई। तुम जानते हो ऐसा सिर्फ एक ही इंसान। कौन? है एक डाउन मार्केट से ऑटो रिक्शा ड्राइवर, रघुवीर नाम है उसका। जो आशिकी बेबाक भी।